और आप हमको बोलते हैं हम इज्जत नहीं करते, हम इज्जत नहीं करते। अरे जिसके नाम का सत्ता हम काटे, उन्होंने तुमको दुनिया को सताया कि अगर औरत कैदी भी होगी तो उसकी इज्जत करना पड़ेगा, और आप हमको बता रहे हैं ये कैदियों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सताया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए उलमाए कराम ने भी आपसे कहा कि दीन सीखो, और दीन सीखना है तो उलमाओं के पैरों के पास बैठकर सीखना है, उनका अदब करना है। कंप्यूटर से हजरत गूगल से दीन नहीं सीख सकते आप। जिन्होंने कंप्यूटर से दीन सीखा वो आइसिस बन गए, जिन्होंने हजरत गूगल से सीखा वो लोगों की गर्दन काटना शुरू कर दी। इसीलिए दीन सीखो, दीन पे अमल करो, और जब दीन पे अमल करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना, उनसे तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करना। जब ये होगा तो ईमान की मिठास हम महसूस करेंगे। और हमारा मामला क्या है कि खाली नारे तकबीर मारकर हम समझते हैं वह खदा करती नहीं। मेरे भाई यकीनन अपने जज्बों का इजहार करना है, मगर हमको अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा तो करना है। अपने बच्चों की तरफ कभी देखते हैं आपको हर घर में जावा, जाफर पाशा ने सही कहा एक जलसे में, आपने कहा कि हर बच्चे को आजकल फोन दे दिए, फोन लेकर बैठा खाना खाए मुंह खाया अम्मा, होमवर्क कर लिए मुंह कर लिया अम्मा, नमाज पढ़े देख रहा था। मेरे भाई अपने बच्चों पे अपनी औलाद पर करो, हर बच्चे का आप उसी के बुला के पूछो, उसको 10-11 साल के बच्चे हो तुम्हारा फेवरेट का गेम कौन सा है, उन्हें बोलता क्लैश ऑफ क्लैंस। मैं पूछा एक बच्चे से, प्लेन में था मैं, मेरे बाजू एक बच्चा बैठा था खेल रहा था, 2 घंटे का सफर दिल्ली का था, क्या कर रहा है मेरे घर में ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो खेलते दौड़ते नहीं, क्या करता था बाबू क्या खेल गया, बोले अंकल क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूं। ये क्या है रहे हम तो क्लैश ऑफ मोदी करते, ये क्लैन का है। बोले अंकल जबरदस्त खेल, बोला क्या है बताओ, बोले इसने तलवार लेके कदर पर हर ये 10 साल का बच्चा, ये 10 साल का बच्चा है भाई। बाद में मैं आकर एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से पूछा, बल्कि कल प्लेन में एक साइबर सिक्योरिटी के साहब है टेंडन नाम है सर, उनका मुझसे पूछा, बोले बिल्कुल सही हो, ये बच्चे देख देख कर तशद्दुद कर रहे, मार रहे, लड़ रहे। इसीलिए हमने अखबार में पढ़ा होगा कि एक बच्चे ने 16-17 साल के बच्चे ने अपने बाप की रिवॉल्वर निकालकर अपनी टीचर को मार के स्कूल में जाता, क्यों कंप्यूटर पर आप देख रहे हैं। हैप्पी बर्थडे करते आजकल, मैंने जिंदगी में अपनी सालगिरह नहीं मनाई, अल्लाह हमारी दादी को अच्छा रखे उनकी मफरत फरमाए, वो कभी इस बात को मानती नहीं थी नहीं कि तहसील से बात आ, कम से कम मैंने हैप्पी बर्थडे में पूरा घर बैठता था, तो वो भी नहीं। बाबा इंस्टाग्राम पे बोलते बेटी हैप्पी बर्थडे, बेटी इंस्टाग्राम पे बात को बोलती डैडी हैप्पी बर्थडे, वो जो इंसानी कनेक्शन जो खत्म हो गया। और इस्लाम क्या बोलता है कि इस्लामी इंसानी कनेक्शन को पैदा करो, मिलो बैठो बात करो। कितने मतलब आप अपने बच्चों को ले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, तो जवाब मिलेगा हम क्यों नहीं जाते बच्चों का लेते हैं। यह अफसोस की बात है मेरे भाई, अपनी औलाद के साथ बैठो, वक्त गुजारो, बात करो अपने बच्चों से, बात करो अपनी बेटियों से, पूछो उनसे कि तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है। आजकल तो वाईफाई के रूटर लगे हुए, दे दो सेलफोन आईपैड, दे दो बैठा हुआ हूं, अरे खेलने आ जाए तो मैं काम खेलता हूं, बैठा हुआ है रूम सू आईपैड दे दिया, क्लैश ऑफ क्लैंस टीवी देख रहे थे, मैं पूछा
का फेवरेट शो मिला, वो क्या होगा मेरे को तो सीआईडी वालों हमारे पीछे पड़ी गई थी। मेरा अंकल सीआईडी शो है और एक बार क्राइम शो बनाना क्यों देखते, मेरे अंकल उसको दिखा देना कैसा उसको मजा लेके और कैसा पड़े। ये 11 साल का बच्चा था क्या सुन रहा, हंसने की बात नहीं है, हम पे हो रहा है। अगर ये बच्चे 10-11 साल में इस तरह की सोच रख रहे हैं तो 18 साल की जब हो जाएंगे तो क्या होगा हमारे मास्टर का। सोचो आप आज आज नौजवान तुम हो, कल तुम बाप बनोगे, कल तुम दादा बनोगे, तो तुम कौन सी नस्ल को निकाल कर सामने ला रहे हो। दिल्ली नौजवान 16-17 साल के प्लेन में बैठो में, अरे सब भाई एक सेल्फी हो जाए, मतलब ले लो भाई मैं पब्लिक प्रॉपर्टी ले लिए। बोला क्या करें, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया आपकी के असद भाई के साथ प्लेन में बैठा। फिर बोलते फेसबुक पे डाल दिया, अरे मेरे भाई अगर अपनी फेस को देखना है तो कुरान में देखो, कुरान पढ़ो, वो बुक है जो तुम्हारे चेहरे को काला होने नहीं दे दिया चलते मैदान में, वो बुक पढ़ो मगर नहीं तुमको फेसबुक की पढ़ेंगी। हाँ तुम्हारा कारोबार है, काम है, जिंदगी के जरूरियात को पूरा करना है यकीन इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक सब है, मगर कुछ भी काम नहीं है। मैं अपडेट करता रात के 1 बजे अपडेट कर रहे, अभी चाय पिया, हज को जा रहे, उमरा कर रहे, हैरान बहन के अल्लाह की याद नहीं कर रहे, फेसबुक पे लाइव डाले, देखो मैं फिरो काबू बता रहा। अरे छोड़ दे वहां पर, कम से कम वहां पर तो छोड़ दे, वहां पर तो गुम हो जा उस काबे को लेकर अल्लाह का खौफ फैला कर, मगर वहां की दुनिया को नहीं छोड़। हद तो यह हो गई कि मस्जिद नबवी में है, मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जहां पर मलाइका एक मर्तबा आते तो दूसरी मर्तबा नहीं आते, वहां पर भी फैला के जाने वाले तू देख क्यों, क्या है मेरे भाई, क्या कर रहे तुम लोग, कहां जाकर बैठोगे। ये चीज काम में आने वाली नहीं है, याद रखो मेरी गुफ्तगु अगर तल्ख रखनी है तो मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि ये चीजों पर गौर करो। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर दूसरा नहीं हम उससे शादी करना चाह रहे भाई, घर वाले नाराज नहीं हो रहे, कौन है भाई,